गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम निकले हैं तंदूरी चाय पीने के लिए। मैं बहुत दिन से चाहती थी कि तंदूरी चाय पीऊंगी, तो आज फाइनली थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैं और अवनीश के पापा दोनों मिलके तंदूरी चाय पीने जा रहे हैं, तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। हेलो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं तंदूरी चाय पीने, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं नज़ारा कैसा है और तंदूरी चाय का टेस्ट भी आपको बताएंगे, तो चलिए जुड़े हमारे साथ। सो गाइस, ये है तंदूर। अभी भैया आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे तंदूरी चाय बनाया जाता है। सो ये भैया ने नॉर्मल चाय बनाया है गैस पे। अभी तंदूर से मटका निकालेंगे, फिर इसमें डाल देंगे चाय। गाइस देखिए, गरम मटके में चाय डालने से कैसे उबाल आ रहा है ना ये अमेजिंग। सो गरम मटके का स्मोकी फ्लेवर चाय में आ गया है। अभी भैया हमें चाय सर्व करेंगे। सो चाय के कलर से लगता है कि चाय बहुत ही टेस्टी होने वाला है। सो अभी पी के देखते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। तो आप बताओ कैसा है ये तंदूरी चाय का टेस्ट? स्मोकी सा फील आ रहा है, बहुत ही अच्छा है ये तंदूरी चाय। और ज़्यादा दूर नहीं है, सिलचर पब्लिक स्कूल के पॉइंट के सामने ही ये शॉप है। अगर आप लोग तंदूरी चाय पीना चाहते हो तो ज़रूर आइएगा। और इसका स्मेल तो तंदूरी वाला आ रहा है, स्मोकी सा फील आ रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है तंदूरी चाय पीने में। और ठंड के मौसम में तो ये बहुत ही मस्त है, आप लोग ज़रूर आइए और ट्राई कीजिए। तो गाइस मैं इनका तंदूर दिखाती हूँ अभी आप लोगों को अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे मटका रखा गया है तंदूर चाय बनाने के लिए। सो ऐसे मटका है इनके पास बहुत सारे, और ऐसे मटके को अंदर तंदूर में डाला जाता है, और जब लाल हो जाता है तब इसमें चाय डालकर उबाला जाता है और ऐसे ही तंदूरी चाय बन जाता है। और सिलचर में ये पहला तंदूरी चाय हम लोग पीने आए हैं। सो गाइस, हमारा चाय पीना हो गया है और यहाँ का चाय बहुत ही बढ़िया है। ये चाय पॉइंट का ओनर है मिस्टर पापा, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग जरूर देखिएगा इनका चैनल। तो गाइस, मेरा चैनल का नाम राइडर बॉब पापा है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छा अच्छा ब्लॉग मैं अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए, तो गाइस आप लोग देखिएगा चैनल पे। सो अभी पापा से पूछते हैं कि कब ये शॉप ओपन किया है इन्होंने, तो चलिए। सो पापा, आपका चाय पॉइंट कब से ओपन किया है? 3 साल हो चुका है लगभग, लेकिन कोरोना के वजह से हाफ टाइम हुआ है, दिल्ली के 1.5 साल, तो 12 महीने में 6 महीने बंद रहता है लॉकडाउन के वजह से। अभी लॉकडाउन नहीं होगा तो हर टाइम खुला रहे। तंदूरी चाय पॉइंट खुलने का आइडिया कहाँ से मिला है? मैं कोलकाता गया था काम से, वहाँ से मुझे आइडिया मिला, उसके बाद मैं घर आके थोड़ा ट्राई करके उसके बाद मेरा शॉप लाया। सो इनका तंदूरी चाय पॉइंट बहुत ही छोटा सा है, लेकिन इसका टेस्ट, चाय का टेस्ट बहुत ही बढ़िया है। आप लोग ज़रूर इस पॉइंट में आ जाइएगा, पब्लिक स्कूल के ठीक अपोजिट पॉइंट में ही ये तंदूरी चाय पॉइंट मिलता है। तो गाइस, इस तंदूरी चाय का रेट बहुत ही कम रेट में आप लोगों को मिल जाएगा। एक कप तंदूरी चाय सिर्फ 20 रुपीज़, तो हम लोगों ने 2 कप लिया था तो 40 रुपीज़ हुआ है। वो अभी बिलिंग कर रहे हैं और अभी हम लोग जाएंगे कुछ चटपटा खाने के लिए, तो चलिए। सो गाइस, चाय पीने के बाद मुंह के अंदर पूरा मिठास भर गया है। सो अभी आए हैं हम लोग कुछ स्पाइसी कुछ खाने के लिए, तो अभी आए हैं मोमो घर।
मेरे पीछे देखिए मोमो घर है, तो यहाँ से कुछ मोमो लेके जाएंगे घर के लिए और घर जाके मोमो खाएंगे। चलिए मेरे साथ। हमने पैकिंग करके ले लिया है मोमो, घर जाके खाएंगे। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और ऊपर से अवनीश को मैंने घर पे रख के आई हूँ, तो अभी जा रहे हैं घर। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट ब्लॉग भी आएगा बहुत ही बढ़िया, सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।